नमस्कार दोस्तों, वेलकम, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आर एस जंक्शन पर। मैं हूं घनश्याम। सबसे पहले आप सभी को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत ही पवित्र त्यौहार के रूप में ये त्यौहार है, प्राचीन समय से जो है इसे मनाया जा रहा है और भाई और बहन के बीच जो विश्वास का प्रतीक है उस रूप में इसे मनाया जाता है। बहनें अपने भाइयों को राखी बांधती हैं और फिर उसके बाद भाइयों द्वारा रक्षा का वचन जो है अपनी बहनों को दिया जाता है। ये भारतीय संस्कृति है जो एक सामूहिक रूप से एक परिवार की इकाई के रूप में लोगों को एक दूसरे से बांध करके रखती है, और ऐसा होना भी चाहिए कि मनुष्य जो है एक सामाजिक प्राणी है और बिना समाज में बिना रिश्तों के हमारा जीवन जो है नीरस हो जाता है। चलिए शुरुआत करते हैं। इस त्यौहार को आप मनाएं, लेकिन इसके साथ साथ थोड़ा समय आज अपनी पढ़ाई को भी दें, वो भी बहुत जरूरी है। तो आज के करंट अफेयर्स पर हम शुरुआत कर लेते हैं। कुछ महत्वपूर्ण खबरें जिन पर आप ध्यान दे सकते हैं। राजस्थान को ITCTA B2B अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन एक्सपो जो है वहां पर हाल ही में एक अवार्ड दिया गया है, उस पर हम बात करेंगे। चीन द्वारा 3 बच्चों की नीति को जो मंजूरी दी गई है, तो कब वहां पर 2 बच्चों की नीति लागू हुई और कब वापस 3 की लागू हो गई है, उस पर भी हम बात करेंगे। भारतीय नौसेना का एक अभ्यास कोंकण 2021 हाल ही में संपन्न हुआ है, तो उस पर भी हमारी चर्चा रहेगी क्योंकि ये अभ्यास पूछ लिए जाते हैं। देश की जो सबसे बड़ी फ्लोटिंग सोलर PV परियोजना, जो फोटोवोल्टिक मॉड्यूल परियोजना है, उसको कल लॉन्च किया गया है, तो इस पर भी हम थोड़ी चर्चा कर लेंगे। राजस्थान के पूर्व राज्यपाल कल्याण सिंह जी का निधन हो गया, तो एक महान हस्ती जो कि देश राजस्थान के राज्यपाल रहे, यूपी के मुख्यमंत्री रहे, इन पर हम बात करेंगे। और अंत में AK-203 राइफल्स जो है उसको लेकर के क्लाशन को रूस के साथ समझौता हुआ है, उस पर भी हमारी चर्चा होगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे पहले प्रश्न के साथ में। दोस्तों, नई दिल्ली में जो है हाल ही में ICM ग्रुप द्वारा एक कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया जिसका नाम था ITCTA B2B बिजनेस टू बिजनेस अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन एक्सपो कॉन्क्लेव। और इसमें अलग अलग श्रेणियों में बहुत से राज्यों को जो है पुरस्कार प्रदान किए गए। ऐसा ही एक पुरस्कार मिला है आपके राजस्थान को। राजस्थान को मेला और महोत्सव कैटेगरी में जो है ये पुरस्कार मिला है। वहीं पर मध्य प्रदेश को वन्य जीव पर्यटन और पर्यटन विपणन की श्रेणी में पुरस्कार दिए गए। तो राजस्थान को किस कैटेगरी में दिया गया पुरस्कार? मेला और महोत्सव। आप जानते हैं राजस्थान जो है मेलों का एक राज्य है। हमारे यहाँ पर लगभग आप मान के चलिए हर सप्ताह कोई ना कोई मेले का आयोजन राज्य के किसी ना किसी जिले या कोने में होता है। बहुत से प्रसिद्ध मेलों में आपके रामदेवरा का मेला हो गया, तीजा जी का मेला हो गया, खाटू श्याम जी का मेला हो गया, इसी तरह से आपके शीतला माता का मेला हो गया। ये कुछ प्रमुख मेले हैं जो हमारे यहाँ पर भरते हैं, ठीक है। तो इसीलिए क्योंकि मेले हमारे यहाँ पर काफी ठीक है, चलिए तो इस पर चर्चा कर लेते हैं। ICM ग्रुप ने 7वें ITCTA B2B अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन एक्सपो में मेला और महोत्सव में राजस्थान को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन सम्मान से नवाजा है। इसके बाद में क्योंकि हाल ही में वर्ल्ड फोटोग्राफी डे भी था और इसी के उपलक्ष्य में सोशल मीडिया पर एक फोटोग्राफी प्रतियोगिता भी जो है पर्यटन विभाग के द्वारा रखी गई। ये जो प्रतियोगिता है इसमें आप सभी भाग ले सकते हैं। सोशल मीडिया हैंडल @RajasthanTourism पर आप #RangRajasthan के क्या रखी गई है थीम, रंग राजस्थान के। यहाँ से भी प्रश्न आ सकता है कि रंग राजस्थान के इस थीम के साथ में विश्व फोटोग्राफी दिवस पर एक प्रतियोगिता है। आप चाहे तो अपना फोटो यहाँ पर ले सकते हैं, उस फोटो को आप राजस्थान की लोक कला संस्कृति और पर्यटन से जुड़ी फोटो हो अगर उसको आप अपलोड करते हैं तो उनमें जो विजेता रहेंगे उनको प्रथम, द्वितीय और तृतीय श्रेणी में क्रमशः 50, 30 और 15 हजार के पुरस्कार भी दिए जाएंगे। 5,000 रुपए के 5 सांत्वना पुरस्कार भी इस श्रेणी में दिए जाएंगे। तो न केवल राजस्थान ने मेला और महोत्सव में पुरस्कार जीता बल्कि इसके साथ साथ एक प्रतियोगिता भी रखी गई है फोटोग्राफी के लिए, इसकी थीम है रंग राजस्थान के, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस देश ने आधिकारिक रूप से 3 बच्चों की नीति को मंजूरी दे दिया है? तो देखो दोस्तों, चीन जो कि लगातार अपनी आबादी में कार्यशील आबादी जो है उसकी उसकी कमी को महसूस कर रहा है, क्योंकि अभी पिछले समय में देखा गया है चीन ने जो अपनी जनगणना की, चीन की जो जनसंख्या है वो लगभग 1.42 अरब हो चुकी है और उसमें लगभग 18% से ज़्यादा जो जनता है वो 60 वर्ष से ऊपर है। तो अब धीरे धीरे चूँकि चीन ने बहुत लंबे समय तक 1 बच्चे की नीति का पालन किया, उसके दुष्प्रभाव अब सामने आ रहे हैं। अब अचानक से उन्होंने जो है वापस से 2 बच्चों की और फिर अब 3 बच्चों की नीति पर ध्यान देना शुरू कर दिया है। तो आधिकारिक रूप से 3 बच्चों की नीति को मंजूरी वहां पर मिल गई है। चीन ने दशकों पुरानी एक बाल नीति को खत्म किया था 2016 में, ठीक है।
और लगभग 400 मिलियन बच्चे जो है जन्म नहीं ले पाए। 400 मिलियन का मतलब हो गया 40 करोड़, ठीक है, 40 करोड़ बच्चे जो हैं वो यहां पर जन्म नहीं ले पाए, और इस वजह से चीन को अब जो है उसके कार्यशील जनसंख्या जो है उसमें कमी देखने को मिली। कार्यशील जनसंख्या मतलब आपके 18 से 45 वर्ष आयु के जो कार्य करने वाला जो समूह होता है उसको हम कार्यशील जनसंख्या के रूप में मानते हैं, ठीक है। नई जनगणना के अनुसार चीन के सामने जनसांख्यिकीय संकट गहरा गया है, क्योंकि 60 साल से ऊपर के लोगों की आबादी लगभग 264 मिलियन मतलब 26 करोड़ से ज्यादा हो गई है, और ये कुल जनसंख्या का 18.7% है। ये एक समस्या चीन के सामने खड़ी हो गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय नौसेना ने अभ्यास कोंकण 2021 का आयोजन किया। INS तबर जो कि भारतीय नौसेना का एक जहाज है, ये वर्तमान में अटलांटिक महासागर में अपनी यात्रा पर है, और इसने जो इंग्लिश चैनल है, इंग्लिश चैनल में ब्रिटेन की जो सेना है उसके साथ में मिलकर के और ये युद्ध अभ्यास किया है। ये युद्ध अभ्यास आपका इंग्लिश चैनल पर हुआ है। इंग्लिश चैनल कहाँ पर है दोस्तों? अगर हम देखें तो ये आपका जो है UK है, ठीक है, यूनाइटेड किंगडम, और यहाँ पर आपका फ्रांस है। यूरोपीय महाद्वीप की बात करें, यहाँ पर आपका जर्मनी है। तो आप देखेंगे कि ये जो पूरा का पूरा पोर्शन है ना, ये वाला, इसको हम बोलते हैं इंग्लिश चैनल। ये एक पैसेज है, मार्ग है, पानी का, जल का मार्ग है, जहां से होकर के जो है जहाज और आदि जो चीजें जाती है, और ये फ्रांस को UK से अलग करने वाली स्थान है। इसी के जस्ट अगले कोने पर यहाँ पर डावर जल संधि है, जो लगभग 36 किलोमीटर लंबी है, और इस डावर जल संधि को इस इंग्लिश चैनल का सबसे छोटा मार्ग माना जाता है। इस पूरे के पूरे क्षेत्र पर लगभग लगभग फ्रांस और UK का ही नियंत्रण है, लेकिन यूनाइटेड नेशंस का जो UNCLOS है, ठीक है, कन्वेंशन ऑन लॉज ऑफ सीज, उसके अनुसार जो है यहाँ से लगभग लगभग पूरे अंतर्राष्ट्रीय जहाजों को गुजरने का अधिकार भी है। तो इसी इंग्लिश चैनल पर जो है हमने ये क्या किया है, ये इतना बड़ा अभ्यास जो है उसका आयोजन किया, और इसमें भारत और ब्रिटेन की नौसेनाओं ने भाग लिया है। 16 अगस्त 2021 को यह आयोजन हुआ, और ब्रिटिश रॉयल नेवी के HMS वेस्टमिंस्टर जो है उसके साथ में यह अभ्यास किया गया। अभ्यास में समन्वित पनडुब्बी रोधी प्रक्रिया, फायरिंग अभ्यास, समुद्री चित्र संकलन, युद्ध निर्माण, युद्धाभ्यास और पुनः पूर्ति सहित बहुत से अभ्यास आयोजित किए गए हैं, और लगातार यह प्रयास किया गया है कि जो बॉन्डिंग भारतीय और ब्रिटिश नौसेना के बीच में है उसको और बरकरार किया जाए, उसको और मजबूत किया जाए। तो लगातार भारतीय नौसेना की उपस्थिति जो है पूरे विश्व भर के महासागरों में हमें वर्तमान में देखने को मिल रही है। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, आज रक्षाबंधन का अंतिम दिन है, ठीक है, मतलब हमारा जो ये फ्लैट 10% ऑफ चल रहा है उसका, तो आपने भी अगर हमारे कोर्सेज लेने की इच्छा मन में है, ठीक है, तो आप भी इसका लाभ उठा सकते हैं। 10% का स्पेशल ऑफर है, आज लास्ट डेट है। 18 से 22 अगस्त तक हमने 5 दिन ये अभियान चलाया था, ठीक है, तो रक्षा 10 के साथ में आप भी इसका प्रयोग कर सकते हैं, और जो कोर्सेज हमारी एप्लीकेशन पर है उनका लाभ आप भी ले सकते हैं। NTPC नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन जो कि वर्तमान में देश में सबसे बड़ा ऊर्जा उत्पादक संगठन है, ठीक है, सरकारी उपक्रम है, उसके द्वारा हाल ही में देश की सबसे बड़ी फ्लोटिंग सोलर PV परियोजना की शुरुआत की है। 25 मेगावाट की ये परियोजना है, और इसकी शुरुआत हाल ही में की गई, कहाँ पर? आंध्र प्रदेश में, ठीक है। तो आंध्र प्रदेश में 25 मेगावाट की पहली फ्लोटिंग सोलर पावर परियोजना। फ्लोटिंग परियोजना का मतलब क्या होता है? ये पानी पर तैरते रहते हैं, मतलब हम क्या करते हैं, पानी का जो एक स्थिर निकाय होता है उस पर संयंत्र की स्थापना करते हैं। फ्लोटिंग आपके जो फोटोवोल्टिक मॉड्यूल्स हैं, जो पैनल्स हैं, उनको वहां पर लगाया जाता है और उनसे विद्युत का उत्पादन किया जाता है। तो आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में जो सिमहाद्री थर्मल स्टेशन है, पहले यह कोयला आधारित स्टेशन वहां पर था, ये तटीय क्षेत्र में है, समुद्र में जो है, तट के पास में समुद्र में जो है इस फ्लोटिंग पावर प्लांट को लगाया गया है। इसके लाभ क्या होंगे? इससे जो है बड़ी मात्रा में हमारे लिए एक तो ऊर्जा का उत्पादन होगा, ठीक है। भारत सरकार ने 2018 में ही इसे अधिसूचित कर दिया था। एक योजना थी जिसका नाम है फ्लेक्सिबिलाइजेशन स्कीम। ये फ्लेक्सिबिलाइजेशन स्कीम के तहत स्थापित होने वाली पहली योजना भी है, ठीक है। फ्लेक्सिबिलाइजेशन स्कीम जो है इसके तहत स्थापित होने वाली पहली योजना है। इस फ्लोटिंग सोलर परियोजना के जरिए 1 लाख से भी ज्यादा सोलर PV मॉड्यूल्स जो है वो बिजली पैदा करेंगे, और इसका लाभ उस क्षेत्र में रहने वाले लोगों को बिजली के रूप में मिलेगा। तो वहां लगभग 7,000 घरों को
बिजली मिलेगी और इसके साथ साथ 46,000 टन कार्बन हर साल हम कम कर पाएंगे, क्योंकि जो सिमहाद्री थर्मल स्टेशन है वहाँ पर अब उसके प्रोडक्शन को तो कम कर दिया जाएगा जो कोयला से होता है, और उसके स्थान पर उसका प्रयोग जो है किसमें किया जाएगा, क्योंकि थर्मल पावर स्टेशन से बिजली की सप्लाई तो होती है, तो वो जो सप्लाई तंत्र है उसका प्रयोग किया जाएगा, लेकिन उत्पादन जो है वो सोलर से किया जाएगा। इस परियोजना से प्रतिवर्ष 13,640 लाख लीटर पानी की भी बचत होने की उम्मीद है, और इतना पानी 6,700 घरों की वार्षिक जरूरत की भी पूर्ति कर पाएगा, क्योंकि अब अगर आप थर्मल पावर स्टेशन है तो वहां पर पानी का भी प्रयोग जो है करना पड़ता है, लेकिन यहाँ पर हमको उसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि थर्मल में पानी को उबाला जाता है, उबालने के बाद में भाप बनती है, और कोयला से आधारित संयंत्र में भाप बनने के बाद में उससे इलेक्ट्रिसिटी का निर्माण होता है टर्बाइन से, यहाँ पर उसकी जरूरत अब नहीं पड़ेगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एनटीपीसी ने सिमहाद्री में पायलट आधार पर हाइड्रोजन आधारित माइक्रोग्रिड प्रणाली स्थापित करने की भी बात कही है, तो एक और जो शिफ्ट हमारा है वो हाइड्रोजन एनर्जी पर भी है, एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में एक छोटा ग्रिड हाइड्रोजन एनर्जी का भी वहां पर बनाया जाएगा, तो सोलर से जो एनर्जी मिलेगी उससे हाइड्रोजन का निर्माण और उसके बाद में उसकी सप्लाई, ये वहां पर पायलट प्रोजेक्ट के रूप में अगर वो सफल होता है आने वाले समय में और जगह भी उसको लागू किया जा सकता है। भारत जो है 25 मेगावाट का उन्होंने आंध्र प्रदेश में स्थापित कर दिया, और एक और प्रोजेक्ट जिस पर काम चल रहा है वो है रामागुंडम में, रामागुंडम जो है वहां पर 100 मेगावाट का सबसे बड़ा तैरता सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया जाएगा, पेद्दापल्ली जिला है उसके रामागुंडम में, ठीक है, और ये काम भी नेशनल थर्मल पावर के द्वारा ही किया जाएगा। वर्तमान में जो 13 गीगावाट की परियोजना ये स्थापित कर रहा है उनमें से 5 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा की है। एक और चीज आपको याद रखना है कि मध्य प्रदेश जो है वहां पर भी एक 600 मेगावाट का फ्लोटिंग संयंत्र जो है वो स्थापित किया जाएगा, हालांकि इसके लिए 2017 से ही बात चल रही है लेकिन अभी तक इसको धरातल पर नहीं लाया गया है, तो जब ये मध्य प्रदेश का ये जो 600 मेगावाट का प्रोजेक्ट पूरा हो जाएगा, अब आपको यहाँ पर मैं क्वेश्चन देता हूँ, आपको बताना है कि ये 600 मेगावाट का जो प्लांट है ये किस जलाशय पर स्थापित किया जाएगा, मध्य प्रदेश के महत्वपूर्ण जलाशय पर इसको स्थापित किया जाना है, तो ये प्रश्न आपके लिए मैं छोड़ देता हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में दिवंगत कल्याण सिंह जो एक प्रसिद्ध राजनेता रहे उनके बारे में कौन सा कथन सही है? पहला, वे 3 बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, बिल्कुल सही। दूसरा, वे राजस्थान के राज्यपाल रहे, ये भी बिल्कुल सही है। उन्होंने बाबरी ढांचे को गिराने के बाद में, जो गिराने का मामला था, उसके बाद में इस्तीफा दे दिया था, ये भी सही है। तो हमारा आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। 21 अगस्त 2021 को इनका निधन हो गया है, ठीक है, और 5 जनवरी 1932 में इनका जन्म हुआ था, तो कुल 89 वर्ष की आयु में जो है इनका देहांत यहाँ पर हुआ है। इनका जन्म उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ के अतरौली तहसील के मडौली गांव में हुआ। कल्याण सिंह 3 बार यूपी के मुख्यमंत्री, 1 बार 2 बार नहीं 3 बार, पहले कार्यकाल में 24 जून 1991 से 6 दिसंबर 1992 तक, और दूसरी बार 21 सितंबर 1997 से 21 फरवरी 1998 तक ये सीएम रहे। 21 फरवरी को इन्होंने रिजाइन दिया और वापस दोबारा 22 फरवरी को फिर से ये तीसरी बार जो है मुख्यमंत्री बने अगली बार, और फिर 1999 तक वे इस पद पर रहे। दोस्तों 6 दिसंबर 1992 को जब अयोध्या में बाबरी ढांचे को गिराया गया था तो इन्होंने कार सेवकों पर गोली चलाने का आदेश नहीं दिया, और इसके बाद इन पर एक ट्रायल भी चला था जिसमें इनको जो है बरी कर दिया गया था। उन्होंने कार सेवकों पर गोली चलाने की अनुमति नहीं दी थी, किसने? इन्होंने, ठीक है। इससे पहले 1990 में जो मुलायम सिंह थे उन्होंने इस तरह की अनुमति दी थी, बाद में इन्होंने अपना इस्तीफा सौंप दिया। 4 सितंबर 2014 से 8 सितंबर 2019 तक ये राजस्थान के राज्यपाल भी रहे। मेरी गणना के हिसाब से ये 31वें राज्यपाल थे, आप फिर भी चेक कर लेना और कंफर्म कर लेना कि ये 31वें ही थे ना, ठीक है, तो ये 31वें राज्यपाल थे। दोस्तों लाइक करने में इतनी कंजूसी क्यों भाई? अगर चीज़ें अच्छी लग रही है, आप लाइव देख रहे हो, तो लाइक करने में इतना हमें परेशान नहीं होना चाहिए ना, ठीक है। चलिए, भारत में हाल ही में निम्नलिखित में से कौन सी मिसाइल कौन सी राइफल, ठीक है, मिसाइल नहीं है, राइफल है, कौन सी राइफल खरीदने के लिए रूस के साथ में समझौता किया गया है? तो दोस्तों रूस के साथ में जो है AK-203 ये मिसाइल खरीदने के लिए समझौता किया। बहुत से अखबारों में आपको AK-103 भी लिखा मिलेगा, एक्चुअल में 103 श्रृंखला का एडवांस वर्जन है 203, तो आप उसको ढंग से पढ़ना, आप कंफ्यूज हो जाएंगे कई छात्र कि सर ये तो AK-103 लिखा हुआ है, दरअसल हमने जिसके लिए समझौता किया है वो है AK-203, जो कि AK-103 श्रृंखला का एडवांस्ड वर्जन है।
मैं भी कंफ्यूज हो गया था, फिर उसको क्लियर किया है। ठीक है, ध्यान रखना AK-203 राइफल हम रूस से खरीदेंगे त्वरित रूप से। तो इसके लिए हमने पहले एक समझौता किया था जिसके अंतर्गत हमने कहा था कि इन राइफल्स का जो निर्माण है हमारे यहीं पर उत्तर प्रदेश के अमेठी में किया जाएगा, लेकिन वो प्रोजेक्ट अभी तक सफल रूप से लागू नहीं हो पाया है, इसलिए तुरंत आवश्यकता पूरी करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, परचेज कर रहे हैं। तो 20 अगस्त 2021 को ये समझौता हुआ। ये सौदा मेगा इन्फेंट्री आधुनिकीकरण कार्यक्रम के भाग के रूप में है। इस कार्यक्रम के तहत भारतीय सेना के लिए रूस से कई AK-103 श्रृंखला की असोल्ट राइफलें खरीद रहे हैं। देखो मैंने क्या लिखा है, AK-103 श्रृंखला, ठीक है। यह AK-47 राइफल का नवीनतम और सबसे उन्नत संस्करण है और यह 200 सीरीज है जो कि AK-103 का आधुनिकीकरण है। AK-103 सीरीज का और आधुनिक करके AK-200 सीरीज में 203 राइफल निकाली गई है जिसको हम परचेज कर रहे हैं। ठीक है, क्या करेंगे, 7 लाख से ज्यादा राइफल्स हम खरीदने वाले हैं। ठीक है, इसी तरह से कार्बाइन मशीन गन्स भी हम खरीदने वाले हैं, लगभग 8 लाख के करीब ऐसी राइफलें खरीदी जाएगी। हमारी जो पूरी की पूरी जो इन्फेंट्री सेना है ना, इन्फेंट्री मतलब पैदल सेना जो होती है, इन्फेंट्री बटालियन हमेशा आगे रखी जाती है अलग से। जो सबसे बेस्ट सेना जिसको माना जाता है ना अगर हमारी सेना में, तो वो इन्फेंट्री है। इन्फेंट्री बटालियन की ट्रेनिंग भी थोड़ी टफ होती है बाकी जो कोर्स होती है उनकी तुलना में। ये राइफल इंडियन स्मॉल आर्म सिस्टम इंसास जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, जो कि 1996 से उपयोग में आ रही है, 5.56 mm x 45 mm असॉल्ट राइफल। क्यों बोलते हैं इसको, इसकी जो गोली होती है ना, ठीक है, इसकी लंबाई है 45 mm और इसकी जो ये वाली जो मोटाई है ये 5.56 है mm, ठीक है। तो 5.56 मतलब आपके लगभग आधा सेंटीमीटर हो गया, क्योंकि आपके 1 cm में 10 mm होते हैं, ठीक है, और 45 mm मतलब ये 4.5 cm लंबी हो गई गोली। तो इस गोली के आकार के हिसाब से होता है। इसी तरह से जो हम नई खरीद रहे हैं AK-203, ये 7.6 mm वाली है, ठीक है। तो ये 5.56 mm थी। और असाल्ट राइफल क्यों बोलते हैं हम इंसास को, क्योंकि इंसास जो है ना असाल्ट करती थी, ये मारती नहीं है। इंसास की गोली से मुश्किल से लोग मरते हैं, पर ये जब किसी व्यक्ति को गोली दागी जाती है तो ये बहुत बड़ा उसके शरीर पर नुकसान करती है, हालांकि इससे मरता नहीं है। AK-47 राइफल्स जो है ना ये मारती हैं, ठीक है। AK-47 राइफल्स जो है ये मारने वाली होती हैं, इसीलिए आपने देखा होगा जो हमारे राष्ट्रीय राइफल्स की जो दल हैं जो कि श्रीनगर में इंसर्जेंसी एरियाज में होते हैं, उनको हमेशा AK-47 जैसी राइफल्स दी जाती है और आतंकवादियों की भी ये पहली पसंद है, ठीक है। IRRPL ये एक जो है हमने यूनिट बनाई है जिसमें रूस और भारत के संयुक्त उपक्रम के रूप में, हमारा जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड है उसकी लगभग इसमें 50% से ज़्यादा हिस्सेदारी है, और उसके साथ मिलकर के हमने अमेठी में एक यूनिट जो है वो स्थापित की है। फैक्ट्री में AK-203 वेरियंट का निर्माण होगा, लगभग 7 लाख राइफल्स का उत्पादन स्थानीय स्तर पर हम यहाँ पर करेंगे, ठीक है। इस फैक्ट्री का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने वर्ष 2019 में किया था। ओके, उस्मान जी कह रहे हैं गुड मॉर्निंग सर विद इन बारिश का मौसम, चलिए बहुत अच्छी बात है, बारिश भी होनी चाहिए, काफ़ी गर्मी है और मौसम ऐसा अजीब सा हो रहा है कि लोग बीमार भी हो रहे हैं। मेरी खुद की बेटी डेंगू फीवर से अभी ग्रसित है, मैं खुद बीमार हूँ। तो आप अपने स्वास्थ्य का जरूर ध्यान रखें, ठीक है। ये मौसम बहुत बेकार है, चेंजिंग जो मौसम होता है वो काफ़ी बदलाव हमारे शरीर में लेकर आता है। हालांकि बीमार होना भी आवश्यक है, लेकिन इस समय जो है आप जितना बच के रहें उतना बेहतर है। तो आप काफ़ी प्लेंटी ऑफ वाटर का इंटेक कीजिए, थोड़ा कूलर से और इनसे बचिए, क्योंकि इस समय अचानक से क्या होता है आपका गला बैठने की और ये समस्या हो जाएगी। ठंडा पानी आप पियेंगे तो बीमार हो जाएंगे, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखें, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, क्योंकि समय बहुत कम है हमारे पास में। RPSC के लिए मैं पॉलिटी पढ़ा रहा हूँ आपको हमारे RS जंक्शन पर। ये पॉलिटी का हमारा कोर्स है, कम्प्लीट कोर्स मैं इसमें करवाऊँगा और रेगुलर मेरी क्लासेस चल रही है। आपके जो 25 प्रश्न पॉलिटी के आने हैं वो सारे यहाँ से कवरअप हो जाएंगे, ठीक है। तो आप इसको भी ज्वाइन कर सकते हैं, आज लास्ट डेट है हमारे प्रोमो की, रक्षा 10 के साथ 10% का डिस्काउंट भी आपको मिल रहा है, तो उसका लाभ उठाइए। सर का मैथ्स एंड रीजनिंग का कोर्स है, मान प्रकाश सर ने भी क्लासेस वहाँ लेना शुरू कर दिया है, तो उन सभी को आप ज्वाइन करें। जो भी वीडियो आपको इस चैनल पर मिलते हैं उनको देखें, क्योंकि क्या होता है कि कई बार कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती है जो हो सकता है वीडियो में आपको बताई गई हो और वो प्रश्न पूछ लिया जाए, तो उस हिसाब से आप अपनी तैयारी को आगे बढ़ाएं। बाकी रेगुलर रूटीन में पढ़ते रहें, ठीक है। PS विश्नोई जी कह रहे हैं सर ये कोर्स EMI पर कर दो।
देखो पीएचडी अगर आप नहीं ले सकते ना तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ऐसे छात्र जिनको वास्तव में वास्तविक समस्या है, लेकिन मैं आइडेंटिफाई करूंगा पहले, ठीक है, इसको वास्तविक समस्या है और वो कोर्स लेने में सक्षम नहीं है, वो मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो मेरा व्हाट्सएप नंबर आप सभी को पता है, वहाँ पर आप मुझसे बात कर सकते हैं, आप अपनी समस्या सामने रख सकते हैं। ऐसे छात्रों को मैं कभी मना नहीं करता, पहले भी बहुतों को मदद की, आगे भी करते रहेंगे। आर एस जंक्शन प्योरली एक्सेलेंस को बनाने के लिए है, कोई मोनेटाइजिंग या फिर बहुत ज़्यादा पैसा आपसे कमा करके मैं अमीर बन जाऊँ ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। आपने मुझे इसी टी शर्ट में हमेशा देखा होगा, 4-3 साल पहले खरीदी थी, आज तक इसी को पहन रहा हूँ। कोई ऐसा नहीं है कि रोजाना मैं अलग अलग तरह से इसे मतलब अलग नए कपड़े पहन के आता हूँ या बहुत कुछ पैसे वाला बंदा हूँ, ऐसा नहीं है। आप लोगों के बीच में से ही हूँ, आपकी समस्याओं को समझता हूँ, इसीलिए इस प्लेटफॉर्म पर काम कर रहा हूँ, ठीक है। और आर एस जंक्शन अपने आप में एक मिसाल बने आने वाले, आप सभी मिलकर के इसे आगे बढ़ाएं, वो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नंबर मेरा आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, केवल मेरा नंबर है 9509253448। फ़ोन ना करें, क्योंकि क्या होता है कि इतने फ़ोन अटेंड करना पॉसिबल नहीं होता। अगर मुझे लगेगा टाइम सुटेबल है तो मैं आपको कह दूंगा फ़ोन के लिए, तो ये नंबर आप नोट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। थैंक यू, आप सभी लाइक करें वीडियो को, शेयर करें दोस्तों के साथ और बने रहें इसी तरह मेरे साथ। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।